जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद ईसा कफरनहूम आए। वहां एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने ईसा की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को ईसा के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। वे ईसा के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहे, वो शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वो हमारे राष्ट्र से प्रेम करता है और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। ईसा उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंचे ही थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा ईसा के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट न करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आए। इसीलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊं। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वो जाता है, और दूसरे से आओ तो वो आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वो यह करता है। ईसा ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूं, इसराइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया।